खेती का जो फसल चक्र है उसको हमको सुधारना है, और कम से कम जितने भी किसान हैं आप में से, मैं वैसे ही पूछता हूं, ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोग कितने हैं जो पूरा का पूरा एकदम ऑर्गेनिक उगा रहे हैं? नीचे कर लें। जो बढ़िया ढंग से यूरिया और केमिकल डालते हो, कितने भाई हैं उठाएं तो जरा हाथ। अच्छा खासा बढ़िया यूरिया पहलते रहते हो, ठीक है, नीचे कर लीजिए। तीसरे वो निकालें कि मौका मिलने पर मिश्रित टाइप, चलो केमिकल तो डालता हूँ मैं, थोड़ा डालता हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनिक टाइप उगाता हूँ, ऐसे कितने भाई हैं? ठीक है, नीचे कर लें। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले अपने घर के लिए जो आप अनाज उगाएंगे, अपने खाने के लिए जो सब्जियां उगाएंगे, कम से कम इतना एरिया तय कर लो कि उसमें आपको कोई केमिकल भी बिल्कुल भी नहीं डालना है। भगवान ना करें कल के दिन में आपके घर में भयानक हार्ट की डिजीज होने को हो, कैंसर होने को हो, डायबिटीज होने को हो, उससे आपका परिवार बच जाएगा, किलो दो किलो कम पैदा भी हो जाए पर आप बहुत बड़ी हानि से बच जाएंगे, वो लाभ तो आपको तत्काल शुरू हो जाएगा। और बाकी के लिए क्या करें जो ऑर्गेनिक उगा रहे हैं? पतंजलि पहले से ही कुछ हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे, अभी हमने उसमें बहुत सारा अनुसंधान कर दिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारा कृषि विभाग, भारत सरकार कहता है कि ऑर्गेनिक के अंदर ये इतनी इतनी मात्रा में होनी चाहिए, मुझे कहते हुए खुशी है, उसे दुगुनी तत्व तो उस हमारे प्रोडक्ट के अंदर है, वो सारा आपको दिया जाएगा क्या क्या उसके अंदर है, वो हम काम कर रहे हैं। और पीछे भी थोड़ा सा हम लोगों ने शुरू किया था, एक बार कुछ कुछ किसान भाई आप में से भी होंगे जो जुड़े भी, थोड़ा सा कष्ट भी हुआ वो आप लोगों को, अब क्योंकि उस समय मैं नहीं देखता था, अब कष्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब मैं उस काम को पूरा अपने आप देख रहा हूं। इसमें से वैसे भी मैं पूछ लूं तो पतंजलि का जो हमारा प्रोम वगैरह खाद वगैरह कुछ लोग हैं आप लोग में से जो प्रयोग कर रहे हैं पहले से? देखो बीज हमारे बहुत है, पहले से यूज कर रहे हैं, तो नीचे कर लीजिए, इनके लिए तालियां तो बजा दो, इनसे भी पूछेंगे कोई घाटे में रहा कि लाभ में रहा। और श्रद्धेय स्वामी जी को जरूर बताना है तुम लोगों का, महाराज जी कहते तुम्हारा कोई एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं रहा, रिसर्च तो हो नहीं रहा। मैंने कहा महाराज बहुत कर रहे हैं, हम यहां भी कर रहे हैं, मैंने कहा जो हमारे किसान भाई उनसे तो प्रत्यक्ष पूछ लो कि हमारे प्रोम ने क्या तहलका मचा रखा है, कितना बाकी चीजों ने कर रखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाद में जो केमिकल वाले हैं, हम यह प्रयास करेंगे कि कम केमिकल डालने के बाद में भी, आधा केमिकल डाल करके भी थोड़ा सा बायो को डाल दें, उससे आपकी बिना पैदावार कम किए पैदावार को बढ़ा करके, कम होने का तो सवाल ही नहीं है, बढ़ा करके कैसे खेती करी जाए वह भी हम यहां से आपको बताने का प्रयास करेंगे, यहां सिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो मिश्रित टाइप कर रहे हैं वो केमिकल को और कम कर दीजिए, केमिकल को और बंद करिए, करने के बाद में कैसे हम उसको उत्पाद को बढ़ाएंगे हम इसका भी यहां से पूरा आपको सिखाने का बताने का प्रयास करेंगे। यानी जो आपका नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर कुछ जोड़ने का, कुछ सिखाने का बताने का प्रयास करेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी का सानिध्य और तीन तीन घंटे की क्लास तो आपको बोनस में मिल रहा भाई, वो तो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है, तो वह भी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हम क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं आप लोग, और बेहतरीन क्या हो सकता है, आपकी पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ाने का उपाय और उसका प्रशिक्षण भी हम आपको यहां से देंगे, हम प्रयास करेंगे, वह भी हम सिखाएंगे कि घर में ही आप किस तरह से किन चीजों को परिवर्तन करके बेहतरीन पैदा कर सकते हो, इसका हम यहां से पूरा प्रयास करेंगे। हमारे वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग आपको पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ में जितने भी आप भाई बहन यहां पर हैं, आप सबके लिए आप लोगों ने निश्चित रूप से अपना पूरा रजिस्ट्रेशन आप करा चुके हैं, जो नए आज अभी तक भी आ रहे हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और आगे भी ये कोई मेला नहीं है,
कि आप आए कि रैली में आए और रैला खत्म हो गया। ये एक शुरुआत है, एक ये प्रारंभ है, यह यात्रा अब अनंत काल तक चलेगी, ये पतंजलि ने ठाना है। पहले से बहुत सारे भाई लोग पतंजलि से, किसान पतंजलि, किसान हमारा जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं, संगठन पूरा देश में काम कर रहा है, बाकी जो नई भाई हैं संगठन में से भी जुड़ी है, और बाकी लोगों को अब इस तरह के एक्टिविटीज के साथ भी हम पूरे संगठन के भाइयों को भी, बाकी भाइयों को भी जुड़ने का अब नया प्रयास पतंजलि के द्वारा ये शुरू हुआ है। ये आपको पता है कि श्रद्धेय स्वामी जी ने ठान लिया तो पतंजलि में इतना दम है कि जो चाहेगा हम वो करके रहेंगे। सहयोग करें तो धन्यवाद, जो सहयोग करें हम उनका धन्यवाद करते हैं, पर पतंजलि एक ऐसी संस्था है, असहयोग करने वाला भी क्या करता है, सुबह बाबा जी का सिखाया हुआ प्राणायाम ये करेगा, करेगा जरूर, चाहे दिन को प्राणायाम करके ताकत पाकर के फिर बाबा जी को गाली दे। तो असहयोग करने वाला भी शक्ति कहां से पाता है, वो शक्ति पतंजलि से पाता है फिर असहयोग करता है। ऐसी संस्था देखी दुनिया में, यानी कि गाली देने वाला भी ताकत तो यहीं से ही पाता है मेरे भाई, ये बड़ी बात है, ये प्रभु की कितनी बड़ी देन है। अच्छा ये बताओ, आपके घर के पड़ोस में कोई आपसे नाराज हो, आप कोई चीज दे दो उसको, तो वो लेगा, वो कहेगा कि फलाने के यहां से आई, मैं तो बिल्कुल नहीं लूं। पर बाबा जी का प्राणायाम ऐसा है मेरे भाई, गाली देने वाला भी सुबह सुबह वही करता है, इसको समझिए आप। तो इसीलिए पतंजलि का काम है देना, हमारा प्रयास है देना, तो वो हम दूसरों के सहयोग से देंगे। आज पतंजलि इतना बड़ा है, हुआ है, तो उसमें आप सब लोगों का योगदान है, आप सब लोगों का प्यार है, शुभकामना है और सहयोग है। और हमेशा मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, पतंजलि का आज इतना भव्य और दिव्य स्वरूप बना है ना, किसी धन्ना सेठ के पैसे से नहीं, किसी एमएनसीज और किसी बड़ा कॉरपोरेट हाउस के घराने के सहयोग से नहीं बना है, वो यही हमारे किसान खेत खलिहान मजदूर से जुड़े भाइयों से, योग शिविर में आने वाले हमारे शिविरार्थियों से, 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया इकट्ठा कर करके जो खड़ा हुआ है। इस अभियान का नाम पतंजलि है, सहकारिता का सबसे बड़ा नमूना पतंजलि है। यदि पतंजलि को बनाने में वैसे देखा जाए तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि करोड़ों लोगों का जो श्रद्धेय स्वामी जी के शिविर में सुबह सुबह जो 5 बजे 4:30 बजे भोर में सर्दी गर्मी में जो पूरे देश में जो भाई बहन आए, उन भाई बहनों के सहयोग से यह पतंजलि इतना बड़ा खड़ा हुआ, यानी कि पतंजलि ने आपके एक एक पैसे का पूरा सदुपयोग किया और उस पैसे से देश के निर्माण के काम को आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए हम उत्पाद देते हुए भी, उत्पाद को आप तक पहुंचाते हुए भी, हम क्या कहते हैं, पुरजोर शब्दों में पूरी प्रामाणिकता के साथ हम कहते हैं, पतंजलि के लिए यह देश बाजार नहीं परिवार है, क्योंकि हम परिवार की भावना से काम करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ हम जुटे हुए हैं। तो आपको वह भी सिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से ऑर्गेनिक खेती को हमको बढ़ाना है। उसके बाद में जितने भी लोगों का आपका सब डेटा इकट्ठा हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन भी है, आप लोगों को अलग अलग स्टेट के अनुसार हम आपको बैठाएंगे, स्टेट के अनुसार बैठा करके आपकी चर्चाएं भी होंगी, उन चर्चाओं में कुछ चीज़ निकल करके आएगी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, फिर वहां पर से आपकी हम एक लिस्ट निकालेंगे, कुछ आप लोगों में से हम प्रयास करेंगे आपको ट्रेनर बनाया जाए, फिर बाकी को ट्रेनी बनाएंगे। ट्रेनी मतलब वो आपको गांव में जा करके भी खेत का यहाँ भाषण दे करके नहीं छोड़ने वाले हैं हमको, जब तक तुम बिल्कुल भाग नहीं जाओगे ना तब तक तुम्हारा पिंड हम नहीं छोड़ने वाले। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 3 दिन के बाद आपको छोड़ करके घर भेज करके ऐसा नहीं कि हम खबर ही नहीं लेंगे, हम आपको आपके फॉर्म को भी ट्रायल फॉर्म के रूप में, वो आपकी जितने भी लोग आप जुड़ेंगे उसके रूप में हम वहाँ का डेटा डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू करने का प्रयास करेंगे। आप में से लगभग अधिकांशतः एरिया को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि बाई दबे कोई एरिया छूट जाए तो भी आप परेशान मत होना अभी, क्योंकि यह अभियान शुरुआत है, मैं बार बार कह रहा हूँ।
हम पूरे भारतवर्ष के जितने भी जिलों से आप पधारे हुए हैं, हर जिले को कवर करने का प्रयास करेंगे, परंतु एक भाई एकदम जिले के दूसरे कोने में है, दूसरे भाई दूसरे कोने में है, तो दोनों को जोड़ने के लिए यदि दोनों ट्रेनर के रूप में यदि काम करने लायक होंगे तो हम उनको ट्रेन कर करके दोनों जगह पर बड़े बड़े ग्रुप बनाने का भी हम प्रयास करेंगे। तो ट्रेनर के रूप में जब हमको, आज तो ये प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, एक प्री ट्रेनिंग होता है, ये ट्रेनिंग से पहले की ट्रेनिंग है, ये ग्रुप ट्रेनिंग भी कह सकते हैं आप इसको, पूरे का पूरा हम काम कर रहे हैं। तो अब इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपकी पूरी टीम बनाई जाएगी, आपको आपके फार्म को, आपकी खेती को, वो ट्रायल मॉडल के रूप में हम उसको, आपकी उपज को, उत्पाद को, वो सॉइल टेस्टिंग किट, और हमने यह भी प्रयास किया है जो ट्रेनर के रूप में जिन लोगों को हम तय करेंगे उनको तो संस्थान से दे दिया जाएगा, पर जो ट्रेनी के रूप में आएंगे वो संस्थान से हम फ्री में नहीं दे पाएंगे, उनके लिए भी हमारी यह सोच है कि लागत मात्र मूल्य पर वो भारतवर्ष का सबसे बेहतरीन मृदा परीक्षण है, जो आपका एनपीके है, ऑर्गेनिक कार्बन है, सब कुछ एक्यूरेट माप सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से माप सकते हैं, वो भी हम आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सरकार के लोगों को जो जितने रेट पे दे रहे हैं वो बाजार में बड़े महंगे महंगे हैं, लोगों ने लूट मचा रखी है, हमने अभी हिसाब लगाया, हम पूछ रहे हैं कितना पड़ेगा, मुझे लगता है कि वो बाद में भी आप चाहेंगे तो हम प्रयास करेंगे, या अभी चाहें तो अभी आप बुक करा करके भी जा सकते हैं, बाद में भी भेज देंगे, वो भी हम आपको देंगे, और वो मुश्किल से ज़्यादा की नहीं है, वो होगा, मेरे को लगता है कि मैं प्रयास करूँगा कि वो 1000 से ऊपर का ना जाए, उसके नीचे नीचे का हो जाए, उसमें सारे पैरामीटर्स होंगे, और उसमें ऐसा पैरामीटर मापने के लिए करीबन करीबन 1000 में 25-30 सैंपल ले सकेंगे, बाद में बाकी सामान तो वही रहना है, उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत जो उसके अंदर जो केमिकल लगते हैं वो थोड़ा सा केमिकल आपको लेना पड़ेगा, वो भी लागत मात्र मूल्य पर आपको मिल जाएगा, तो हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और खाद के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, वो ट्रायल तो होगा, ट्रेनिंग को तो देंगे, उसके साथ में आप में से कुछ ऐसे बनना चाहें जो काम कर रहे हों, ग्रुप को लीड कर रहे हों, उन लोगों को भी हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी ले लें, और नीचे जो किसान काम कर रहा है उस भाई को हम वहाँ तक कम से कम मूल्य पर बढ़िया सा बढ़िया जैविक खाद पहुँचा सकें, वह भी हम प्रयास करेंगे। तो ये बड़ा अभियान है, बड़ा कार्य है, ना ये व्यापार के लिए है, ना ये कोई बड़ा भीड़ इकट्ठा कर करके ये शक्ति प्रदर्शन के लिए है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमारा विनम्र प्रयास है हमारे देश की किसान की जो दशा है वो सुधरे, उसका जीवन स्तर सुधरे, और उसको स्वास्थ्यकर उत्पाद है, स्वास्थ्यकर जो अन्न है वो उपजाने में हमारा किसान सक्षम हो सके, ये हमारा अभियान है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। यह भी इस तरह से सभी किसान भाइयों को एक्सक्लूसिवली जो सिर्फ किसानों को ही बुला करके आमंत्रित करके ये ट्रेनिंग के प्रोग्राम का भी यह पहला अभ्यास है। इसके बाद में यदि आप लोग बेहतर काम करेंगे तो यह मेरा वादा है, इसके आगे की भी हमारी योजना है कि जो आप उगाएंगे उसकी लिस्ट हम पहले से तैयार करेंगे, और जो पतंजलि में खपत हो सकता होगा मैक्सिमम सामान को हम बाई बैक करने की भी आपके साथ एग्रीमेंट की भी हमारी योजना है। और दूसरा मैं ये भी सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में ये भी है कि यदि हमारे ढंग से आप चीजों को उगाते हैं और आप में थोड़ा सा भी व्यापार या काम करने की क्षमता है, एक मॉडल पर हम और विचार करेंगे, वो मॉडल हो सकता है कि पतंजलि का मैं आपको ब्रांड यूज करने की परमिशन दे करके आप अपना सामान उगा करके पतंजलि के नाम से आसपास के क्षेत्र में बेचें, आप अपने आप व्यापार करो, काम करो, हम उसको कंट्रोलिंग सिस्टम बना देंगे, ये मेरे साइंटिस्ट लोग बनाएंगे, क्योंकि हम पैदा करके हर जगह नहीं जा सकते हैं, हम ये कर देंगे कि जो उगा रहा होगा, जो भी किसान नंबर वगैरह है उसके अंदर कुछ बैच नंबर, कुछ फार्म नंबर, कुछ क्रॉप नंबर, कुछ डालने का सिस्टम बनाएंगे, ये आप लोग तय करो साइंटिस्ट लोगों, ये आपका काम है, थोड़ा समय लगे तो आप उतावला मत करना, मेरे जी में आ गया है ना तो समझ लेना समय लग सकता पर मैं छोड़ूंगा नहीं।
हम ये भी करेंगे, आप अपने आप करें, हमको कोई, मैंने कहा ना हमको तो आप इतना कर देना ठीक है, जितना बेच लोगे ना थोड़ी सी टोकन कुछ दे देना पतंजलि के मेले ठेले करने के लिए खर्च हो जाएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए बाकी, आप अपने आप बेचो। उसका मिनिमम एक स्टैंडर्ड बना देंगे, पैकिंग कैसा होगा, किस किस आइटम को कैसे पैक करना है, कैसे कैसे आइटम को कैसे पहुंचाना है, उसके जो क्रॉप के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट पूरी होगी, वो हम सारे किट वगैरह आपको देंगे। तो जो ऑर्गेनिक उगा रहे हैं हमारी प्रायोरिटीज रहेगी। अच्छा दूसरी बात, हम इसमें भी हेल्प करेंगे, आप में से कितने भाई ऐसे हैं जिनके जमीन का आपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराया हुआ, कितने हाथ उठाना, बहुत थोड़े लोग हैं, नीचे कर लीजिए। जो ऑर्गेनिक उगा तो रहे हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे कितने हैं, ये लिस्ट बना लेना आप लोग, ये भी हमको आपको सर्टिफिकेशन में भी हेल्प करेंगे हम लोग, उसमें भी हम हेल्प करेंगे। ये सारे काम के ऊपर हम सोचेंगे, ये पहली बार मिलन नहीं, हम फिर मिलेंगे, फिर बुलाएंगे। लगभग लगभग सारे स्टेट के भाई बहन हमारे मध्य में हैं, और किसी भी स्टेट की संख्या जितना मैं देख पा रहा हूं, अरुणाचल और मणिपुर जैसे में भी, और अंडमान निकोबार से भी भाई यहां आया हुआ है बीच के लिए, उसका तो धन्यवाद कर दो। तो ये हमारी संगठन की ताकत है। इसके लिए मैं पूरा हमारा पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान के हमारे जितने भी कर्मठ भाई, कई सारे तो इसी में कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। जैसे अंडमान निकोबार वाला बैठा है क्या भाई यहां पर, खड़े होइए जरा भाई, जैसे बहन जी है ठीक है, देखो अकेली आई है, पूरी झांसी की रानी है, ताली बजा दो इसके लिए, बहन है पर अकेली पहुंच गई, चलो अच्छी बात है। और मैं देख रहा था थोड़ी संख्या में बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश के थोड़े हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब क्या होगा, अब वह दिन आ गया है जैसे देश के गैर राजनीतिक संगठन में पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान सबसे बड़ा संगठन है, ऐसे किसानों की गैर राजनीतिक संगठन में पतंजलि जो हमारी यह किसान संगठन है, यह सबसे बड़े संगठन के रूप में खड़ा होगा। और संगठन ही नहीं, देश के सबसे बड़े ऑर्गेनिक फार्मर संगठित और साइंटिफिक खेती करने वाले समूहों के रूप में भी पतंजलि परिवार का यह समूह तैयार होगा, यह हमको पूरा विश्वास है। तो हमको ये काम करना है, इसीलिए चाहे ठंड लगे चाहे गर्मी हो, ढीला मत पड़ियो। तो मिलकर के काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, बहुत काम करना है मेरे भाई। आपकी और हमारी जिंदगी तो जितनी कटनी थी कट गई, बाकी भी कट ही जाएगी, पर सोचो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की दुर्दशा ना हो, कहीं हमारी उनकी दुर्गति ना हो, इसके लिए हमको काम करके जाना है। हमको अपने लिए नहीं, हमको उनके लिए काम करना है। जितनी धरती मां को, आपकी पीढ़ी में जितने बैठे हैं, कितना साल हुआ ये ग्रीन रेवोल्यूशन का ड्रामा होते हुए, 50 साल के अंदर अंदर में धरती इतनी जहरीली हो गई है, इतनी बंजर हो गई है, यूं ही रहा तो आगे आने वाले 50 साल में इस धरती क्या होगी दशा, आप कल्पना कर सकते हो। रोग और बीमारियों ने हमको यूं आ घेरा है, आने वाले 50 साल में क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो वो हमको नहीं होने देना है। जो गिद्ध की तरह से इस देश की ओर सारे केमिकल बेचने के लिए रास्ता जो तलाश कर रहे हैं, गिद्ध की तरह से दुनिया के प्रतिबंधित तमाम उन विषैली जहरीली दवाइयों को बेचने के लिए हमारी तरफ से देख रहे हैं, उनकी आंखों को हमको अपने कार्यों से फोड़ डालना है कि वो इधर देख भी ना सके। इसीलिए आपको बुलाया है। हमारे मन में एक पीड़ा है, एक टीस है, एक दर्द है, उस दर्द को लेकर के हम घूम रहे हैं, उस दर्द को दवाई मिल जाए, उस दर्द की दवाई आप बन जाएं, इसके लिए आपको यहां पर हमने आमंत्रित किया है। तो इसलिए हमको बहुत काम करना है, आप लोगों को बहुत काम करना है। तो यहां से बहुत कुछ सिखाएंगे, संगठनात्मक रूप से भी, कार्य के रूप में भी,
संस्था के रूप में भी और प्रोफेशनल के रूप में भी, एक जीवन निर्वहन के साधन के रूप में भी आपको बहुत कुछ सहयोग मिल सके, हमारा पूरा प्रयास आपके लिए यहाँ से रहेगा। तो ये सारा काम हम करेंगे, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, वंदे।